इंडोनेशिया ने बायो ईंधन सम्मिश्रण 35% करने के संकेत दे दिए हैं, जिससे केएलसी में मजबूती देखने को मिली है। इसके असर से भारतीय बाजारों में भी सोया तेल के घटते दामों में रुकावट के साथ ही भाव में कुछ सुधार देखने को मिला है। दरअसल इंदौर में सोया तेल 5 रुपए बढ़कर 1215 से 1220 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुँच गया है। दूसरी ओर सीबोट सोया तेल अब ओवरसोल्ड जोन में प्रवेश कर रहा है। सीबोट सोया तेल में भी कुछ सुधार देखने को मिला है। हालांकि चीन का डालियन एक्सचेंज काफी कमजोरी के साथ कारोबार करता दिखाई दिया है। अमेरिकी निर्यातकों ने चीन को डिलीवरी के लिए 1,30,000 टन सोयाबीन बेचा है। माना जा रहा है कि कुछ चीनी शहरों में कोविड-19 नियमों में और ढील देने से अमेरिकी वस्तुओं की मांग बढ़ सकती है। चीन में 5 दिसंबर को मिले 28,062 नए कोविड मामलों की रिपोर्ट एक दिन पहले 30,014 थी। चीनी नागरिकों के विरोध के कारण चीनी सरकार को वहां सख्त कोविड प्रतिबंधों में ढील देनी पड़ी है। बीजिंग में सुपरमार्केट और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में 1 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान सोयाबीन निर्यात 1.7 मिलियन टन पहुँच गया, जो बाजार अनुमान के ऊपरी रेंज में है। और ब्राजील में 91% सोयाबीन की फसल की बोनी की जा चुकी है, जो कि पिछले साल के 94% के स्तर से कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।